हनी ट्रैप मामले दे विच पुलिस दे वल्लों एक लड़की नूं काबू किया गया। इस दे वल्लों जाली दस्तावेज तैयार करवाए जांदे सी, फिर मुंडियां दे नाल व्याह करवाउंदी सी। जेकर कोई विरोध करदा सी तां उस नूं ब्लैकमेल करके पैसे ठगदी सी। हुण तक इस कुड़ी दे वल्लों पंज नूं शिकार बनाया गया। पंचकुला पुलिस दे वल्लों इस लड़की दा पर्दाफाश किया गया, जो व्याह दे लई नहीं मनदा सी उस नूं ब्लैकमेल करदी सी, फिर उस तों पैसे ठगदी सी। एक नूं ठगण तों बाद दूसरा शिकार लभदी सी। इस नूं अदालत विच पेश करके पंज दिन दा रिमांड हासिल किया गया। लिहाजा इस तों पुछ पड़ताल होवेगी कि हुण तक किन्ने लोकां नूं ठग चुकी है और जिथों ये जाली दस्तावेज तैयार करवाउंदी सी उह जगह केड़ी है। तां हुण पुलिस दे वल्लों इस ब्लैकमेलर औरत नूं गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप मामले दा पर्दाफाश किया गया। ठगी मारन दा इस कुड़ी दे वल्लों नवा ही ढंग वरत्या गया सी। रेप केस दे विच फसाउण दी धमकी दिंदी सी। डर दे मारे मुंडे इस नूं पैसे देण दे लई तैयार भी हो जांदे सी। तां नित नवें व्याह करवाउंदी सी। जेकर कोई मनदा नहीं सी तां उस तों पैसे मंग लैंदी सी। तां हुण पुलिस दे वल्लों इस दा पर्दाफाश किया गया। ये महिला अपने फर्जी कागजात तैयार करके लोगों को हनी ट्रैप में फंसा के उनसे शादियां करके और जिनको हनी ट्रैप में फंसा उनको रेप केस में फंसा के या रेप केस में फंसाने की धमकी देके लोगों से मोटा पैसा ऐंठती थी और जब मोटा पैसा ऐंठ लेती थी तो नए शिकार को ढूंढती थी। इसमें अभी तक इसको अरेस्ट कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन चालू है। 5 दिन के ये रिमांड पे है, अभी देखते हैं आगे क्या। बरामद हुए कैसे बनवाती थी उस वो अभी रिमांड के दौरान पता चलेगा। तो कितने लोग बना अभी तक 5 लोग हमारे सामने आ चुके हैं जिनको इसने शिकार बना चुके हैं। अभी ये पता लगा हाल ही में शादी भी की है। यस, 20 अप्रैल को इसने नई शादी की है सहारनपुर इमरानगर। ये लड़की मुसलमान कम्युनिटी से है बट ये करती हिंदू लड़कों से शादी है। उसको क्या मुसलमान खुद को हिंदू बताती थी। अभी किन किन धाराओं को देखना 419, 20, 467, 468, 471, 120 भी। तो कोर्ट में पेश किया गया थे। कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पे इसको ले लिया गया। अभी क्या इसमें कुछ और व्यवस्था? यस, इसके डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाने हैं। जो जो इनके साथ संलिप्त हैं उनको अरेस्ट किया जाना है। जो जो इन्हें पैसे अठाए उसको रिकवर किया जाना है। हनी ट्रैप मामले दे विच पुलिस दे वल्लों एक लड़की नूं काबू किया गया। इस दे वल्लों जाली दस्तावेज तैयार करवाए जांदे सी, फिर मुंडियां दे नाल व्याह करवाउंदी सी। जेकर कोई विरोध करदा सी तां उस नूं ब्लैकमेल करके पैसे ठगदी सी। हुण तक इस कुड़ी दे वल्लों पंज नूं शिकार बनाया गया। पंचकुला पुलिस दे वल्लों इस लड़की दा पर्दाफाश किया गया, जो व्याह दे लई नहीं मनदा सी उस नूं ब्लैकमेल करदी सी, फिर उस तों पैसे ठगदी सी। एक नूं ठगण तों बाद दूसरा शिकार लभदी सी। इस नूं अदालत विच पेश करके 5 दिन दा रिमांड हासिल किया गया। लिहाजा इस तों पुछ पड़ताल होवेगी कि हुण तक किन्ने लोकां नूं ठग चुकी है और जिथों ये जाली दस्तावेज तैयार करवाउंदी सी उह जगह केड़ी है। तां हुण पुलिस दे वल्लों इस ब्लैकमेलर औरत नूं गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप मामले दा पर्दाफाश किया गया। ठगी मारन दा इस कुड़ी दे वल्लों नवा ही ढंग वरत्या गया सी। रेप केस दे विच फसाउण दी धमकी दिंदी सी। डर दे मारे मुंडे इस नूं पैसे देण दे लई तैयार भी हो जांदे सी। तां नित नवें व्याह करवाउंदी सी। जेकर कोई मनदा नहीं सी तां उस तों पैसे मंग लैंदी सी। तां हुण पुलिस दे वल्लों इस दा पर्दाफाश किया गया। ये महिला अपने फर्जी कागजात तैयार करके लोगों को हनी ट्रैप में फंसा के उनसे शादियां करके और जिनको हनी ट्रैप में फंसा उनको रेप केस में फंसा के या रेप केस में फंसाने की धमकी देके लोगों से मोटा पैसा ऐंठती थी और जब मोटा पैसा ऐंठ लेती थी तो नए शिकार को ढूंढती थी। इसमें अभी तक इसको अरेस्ट कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन चालू है। 5 दिन के ये रिमांड पे है, अभी देखते हैं आगे क्या। अभी बरामद हुए कैसे बनवाती थी उस वो अभी रिमांड के दौरान पता चलेगा। तो कितने लोग बना अभी तक 5 लोग हमारे सामने आ चुके हैं जिनको इसने शिकार बना चुके हैं। अभी ये पता लगा हाल ही में शादी भी की है। यस, 20 अप्रैल को इसने नई शादी की है सहारनपुर इमरानगर। ये लड़कियां
होती है लड़की, ये लड़की मुसलमान कम्युनिटी से है बट ये करती हिंदू लड़कों से शादी है। उसको क्या मुसलमान खुद को हिंदू बताती थी। अभी किन किन धाराओं को देखना, 419-20, 467, 468, 471, 120 भी। तो कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पे इसको ले लिया गया। अभी क्या इसमें कुछ और व्यवस्था? यस, इसके डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाने हैं, जो जो इनके साथ संलिप्त हैं उनको अरेस्ट किया जाना है, जो जो इन्हें पैसे अटका है उसको रिकवर किया जाना है।